मुझे मुक्त किया, हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के विशेष दिन में स्वागत करता हूं। आज राख बुध है और आज से हम पवित्र चालीसे में प्रवेश कर रहे हैं। आज पुरोहित राख से हमारे ललाट पे क्रूस का चिन्ह बनाकर कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। राख पश्चाताप का चिन्ह है। ये राख हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे कर्मों पर सच्चा पछतावा करके प्रभु यीशु की ओर लौट जाना है। राख क्षण भंगुरता का भी एक प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा यहाँ पर परमानेंट ठिकाना नहीं है। हम इस दुनिया में मेहमान के रूप में है। हमारा ईश्वर के पास में सदा के लिए निवास स्थान तैयार किया गया है और इसीलिए हम उसी प्रकार से व्यवहार करें जैसे कि हम एक राहगीर हैं। और इसीलिए आज के सुसमाचार भी हमें याद दिलाता है कि दिखावा और आडंबर ना करें। राख ये याद दिलाता है कि हम प्रभु यीशु में मर गए हैं और उसमें पुनर्जीवित होकर उसी में हमें नया जीवन मिला है और इसलिए हम यीशुमय जीवन जिए, यीशुमय आचरण करें। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस मिस्सा में भाग लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि हम विशेष रूप से चालीसे काल में प्रभु की अधिकाधिक कृपाओं के भागी बन सकें। आइए हम सभी मिलकर इस पवित्र चालीसे काल में प्रवेश करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र तपस्या द्वारा ख्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्मसंयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 12 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो। सभा
कि बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दूल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्र में उनका उपहास ना होने दे, गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ, कुरंथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वाक्य संख्या 20 से अध्याय 6 के वाक्य संख्या 2 तक। आप लोग ईश्वर से मेल कर ले, यही उपयुक्त समय है। हम मसीहा के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर ले। मसीहा का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिलती है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है, और देखिए अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिसे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिसे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिसे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिसे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज राख बूथ है और 40 के पहला दिन, और आज का समारोह हमें आगाह करता है कि हम आडंबर की दुनिया से दूर रहें। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, आज का समारोह हमसे कहता है कि हम अपने धर्म कार्यों का विज्ञापन ना करें, हम अपने विश्वास का दिखावा ना करें, क्योंकि आपका विश्वास आपके ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभव का एक परिणाम है, और इसीलिए आपके विश्वास को साबित करने के लिए आपको सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। आपको बाजारों में आपके धर्म का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जिस दिन आप आपके धर्म को सड़कों पर ले आएंगे, जिस दिन आप आपके विश्वास को बाजारों में लेकर आ जाएंगे, उस दिन आपका ईश्वर भी आपके घर परिवार और आपके जीवन से निकलकर सड़कों पर आ जाएगा। आप एक बार और अनाथ हो जाएंगे, आप एक बार और अकेले हो जाएंगे, आप एक बार और बेघर हो जाएंगे, और इसीलिए आज का समारोह हमसे आह्वान करता है, दिखावा ना करें। कौन लोग दिखावा करते हैं? दिखावा वे लोग करते हैं जो वास्तव में प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वे अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं उस प्रक्रिया में वे दूसरे लोगों को नीचे गिरा देते हैं, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वे अपने होने का अहमियत खो देते हैं। वे लोग दिखावा करते हैं जो अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं। आपने वो गाना सुना होगा जिसके शब्द कुछ इस प्रकार से हैं,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। क्रिसमस में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, वही लोग दिखावा करते हैं, जो जिस बात का दिखावा करते हैं वो वास्तव में उनके जीवन में नहीं है। आप वास्तव में गम से भरे हुए हैं, पर आप उस दुख को छिपाने के लिए एक मुस्कुराहट देते हैं। और इसीलिए आज प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हें अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। जब तुम उपवास करते हो तो प्रभु कहता है कि तुम अपने सर में तेल लगाओ, अपने चेहरे को मली नहीं बल्कि अपने चेहरे में वो खुशी लाकर रखो, ताकि दूसरों को ये मालूम ना होने पाए कि तुम उपवास कर रहे हो। उपवास तुम्हारे और तुम्हारे ईश्वर के बीच की बात है। जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हारे उपवास के करने के कारण से प्रभु तुम्हें शुद्ध करे, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने, ना कि दुनिया तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी। और इसीलिए आज प्रभु हमसे आह्वान करते हैं, तुम्हारा उपवास दिखावा नहीं बल्कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करके ईश्वर की ओर लौटने का एक संकेत है। प्रभु कहता है किस प्रकार से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के लिए आपको ढिंढोरा पिटवाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आपको दिखावे की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है अपने कमरे में जाओ और वो कमरा बंद कर दो और एकांत में प्रार्थना करो। प्रार्थना आपके और ईश्वर के बीच का वार्तालाप है। प्रार्थना आपका और ईश्वर का एक व्यक्तिगत संवाद है। और इसलिए अपने हृदय की गहराई में जाओ। जब आप अपने एकांत में जाएंगे, अपने जीवन में झांक कर देखेंगे, तब पता चलेगा कि आपके जीवन की स्थिति क्या है। और तब सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे, ना कि आप दिखावा करेंगे। और इसीलिए प्रभु कहता है जब तुम इस प्रकार की प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता और सुनता है तुम्हें पुरस्कार देगा। और किस प्रकार से भलाई के कार्य करना है, प्रभु कहता है इसके लिए भी बड़े बड़े विज्ञापन लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करें कि वास्तव में तुम मदद करना चाहते हो और तुम्हारी मदद करने के कारण से वह व्यक्ति जो मदद पा रहा है वह भी ईश्वर की ओर लौट कर आ जाए और बदले में ईश्वर आपको भी आशीर्वाद दे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरी यही आशा है, मेरी यही प्रार्थना है कि आपका उपवास, प्रार्थना और भलाई के कार्य आपको सच्चे हृदय से प्रभु की ओर लौट कर ले जाए। प्रिय भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर से विनय पूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं उस पर वह अपनी प्रचुर आशीष प्रदान करे। हे ईश्वर, तो हमारी दीनता से द्रवित होकर हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राख से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर कृपापूर्वक अपनी आशीष प्रदान कर और कृपा प्रदान कर, ताकि वे चालीसे की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास्का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, माथे पर राख को लगाना अर्थात प्रायश्चित करने के लिए तैयार होना है। चालीसे का काल हमें अपनी बुरी आदतों एवं पापमय जीवन को त्यागने का अवसर प्रदान करता है। अतः हम प्रार्थना करें कि ईश्वर का आत्मा हमें एक सच्चा जीवन जीने के लिए मदद करे और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों एवं धर्म संगी अपने आदर्श जीवन द्वारा क्रिस्त की जनता को मेल मिलाप एवं शांति से जीने के लिए प्रेरित कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चालीसी का काल काफी लंबा होता है। हम इन दिनों शोक प्रकट न करें और निराशा का जीवन न जिए, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। छोटा या बड़ा अपराध सोच और योजना के आधार पर किया जाता है। आपराधिक सोच रखने वाले तथा दूसरों का नुकसान पहुंचाने वालों के मन में ईश्वर सकारात्मक एवं रचनात्मक सोच भर दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक एवं कलीसियाई नियमों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाती है। जिन लोगों को कारावास की सजा हुई है, वे अपने किए के लिए प्रायश्चित करें और आने वाले बाकी के दिनों में आशावान व्यक्ति बनकर अपने जीवन में नवीनता ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, प्रायश्चित तथा तपस्या के काल के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सभी पापी हैं, हमें तेरे प्रेम और परवरिश की आवश्यकता है। ऐसी कृपा कर कि हम चालीसे के नियमों का पालन अच्छी तरह कर सके और अनंत पुरस्कार के भागी बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, चालीसा काल आरंभ करते हुए हम तुझे वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करें और अपने पापों से मुक्त होकर तेरे पुत्र के दुख भोग की स्मृति भक्तिपूर्वक मनाने की योग्य बन जाए, जो युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से इन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता है, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उसका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हें के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए पश्चातापी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें।
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए अपने सरों को झुकाएं। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बन जाए जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। हाथों में कीले, फिर भी ये सो नहीं
उनको दुआ दी, ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी, बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है, बोझ सबके गुनाह का